स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। ये मेरे गांव के बाहर का दृश्य है और ये यहाँ तक खेत हैं। इसके बाद ये कुछ ज़मीन ऊसर की पड़ी हुई है जिसमें ज़्यादातर जो है भैंसे और गायें होती हैं, वो अपने चारा के लिए चढ़ने जाती हैं। और ये साथ में जो है, और अब यहाँ आए हुए हैं। अब एक चीज़ आपको दिखाते हैं, एक बथुआ का नाम आपने सुना होगा, तो वही देखाने हम आपको यहाँ फंस कर आए हुए हैं। ये देखिए कितने बथुआ लगा हुआ है। ये देखिए, ये सरसों का खेत है, ये सरसों के पौधे हैं। ये देखिए सरसों का पेड़ है और ये सब बथुआ है। इतने ज़्यादा मात्रा में बथुआ है, ये फसलों को नुकसान का तो करता है, लेकिन फिर भी ये इसको सब्जी में बहुत यूज होता है। गाँव के लोग खास कर इसको सब्जी में दाल में सब में बनाकर काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। कई डिशें बनती हैं, इसकी दाल में भी खाई जाती है, पराठा भी बनाए जाते हैं, और जो गांव में जो है आसानी से उपलब्ध हो जाता है। शहरों में ये बाज़ार में मिलता है, सब्जियों की दुकान पे भी उपलब्ध हो जाता है, लेकिन गांव में ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी खेत में जा करके आप ऐसे जो है इसको बीन करके लोग खाते हैं। ये कटीले तार हैं, काफ़ी ज़्यादा अब लगे हुए हैं हर खेत में, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके बिना फसलें पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे जानवर हैं फसलों को नुकसान करते हैं। बिना उसके नुकसान के जो है, नुकसान से बचाने के लिए तार लगाना बहुत ज़रूरी है। और चलिए मैं अभी आपको अपनी सब्जियों की बागवानी दिखाता हूँ। ये छोटे छोटे पेड़ जो है सोया के हैं मेरे, और ये चना है, और उधर ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं मटर के पेड़ होते हैं। ये मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये मटर का पेड़ है। इसके अलावा ये जो है मूली के पौधे हैं, ये छोटे हैं, जब निकलते तो ऐसे ही होते हैं। चलते हैं, दिखाता हूँ। ये धनिया है, ये देखिए धनिया के पत्ते हैं, ये ऐसे धनिया उगती है। ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी पैदावार धनिया है। और इसके अलावा ये पालक है हमारे खेत की, ये देखिए पालक है, तोड़ के खा लेते हैं। वाह, मज़ेदार है। ये सब ऑर्गेनिक है, किसी भी खाद का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। और ये अमरूद का पेड़ है, अभी लगे नहीं हैं, साल दो एक दो साल में इसमें लगने शुरू हो जाएंगे। ये लीची का पौधा है, अब आइए दिखाते हैं मूली। इतनी पैदावार मूली, देखो इतनी पैदावार, ऐसा लग रहा है। और ये इधर है केले का पौधा। केले का पौधा सिर्फ एक बार लगाना होता है, उसके बाद उसमें पौधे बढ़ते रहते हैं। ये इसमें छोटी सी पुतियाँ निकलती हैं, देखिए यही जो है बढ़ते जाते हैं। जो पौधा फल देता जाएगा वो बाद में ख़राब हो जाएगा, गिर जाएगा, और ये दूसरे वाले पौधे जैसे ये हैं, ये बड़े होकर के नया पौधा बनते हैं, नया फल देते हैं। और ये एक कुंदरू होता है, उसका पेड़ है। अभी इस मौसम में थोड़ा ठंड के मौसम में ये जो है उसकी पत्तियाँ जो है सूख जाती हैं और फल भी कम देता है, लेकिन जैसे ही गर्मी और बरसात आती है ये खुद न खुद नहीं, इसकी डंडियाँ ये जो है खुद हरी हो जाती है। तो इसको बार बार लगाना नहीं पड़ता है, एक बार लगा दो उसके बाद जीवन प्लान ये ऐसे ही चलता रहता है, बस पानी आपको देना पड़ता है।
ये भी एक नींबू है, ये दूसरे प्रजाति का नींबू है।